हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की लेटेस्ट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आपके मन में डाउट बना होगा कि इस बार सीटेट होगा या नहीं होगा, और इस बार एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, आपको कितने बजे पहुंचना है, आपको क्या क्या सुविधा दी गई है, किस पैटर्न पे एग्जाम आने वाला है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस बार सीटेट कब होगा, कैसे होगा, कितने बजे जाना है आपको, और क्या क्या सुविधा आपको दी गई है, इस बार पैटर्न क्या होगा, और आप 110 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। तो आपको मैं पहली चीज ये बता देता हूँ, जो इस बार सीटेट होगा वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होगा। होम डिस्ट्रिक्ट मतलब अगर आपके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो नॉर्थ में ही होगा। अगर आपकी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो सेंट्रल के अंदर ही होगा। ये CBSE की गाइडलाइन के थ्रू हो रहा है, क्योंकि इस बार कोरोना को देखते हुए, ऐसी जो हमारी महामारी चल रही है, ऐसी जो देश में प्रॉब्लम चल रही है, उस महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इस बार जो एग्जाम होगा आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा। और नेक्स्ट, आपको इस बार मास्क के साथ एंट्री लेना अनिवार्य है, आप विदाउट मास्क एंट्री नहीं ले सकते हो। थर्ड, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसके साथ क्या क्या लेके जा सकते हो। आप इस बार ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जा सकते हैं, और साथ में ब्लू पेन, साथ में आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, और उसके साथ एक ओरिजिनल आईडी लेके जाएंगे। ओरिजिनल आईडी जो कि आपकी ओरिजिनल होती है, ये नहीं कि आप वहां पे फोटोकॉपी लेके जाए, वहां पे फोटोकॉपी अलाउ नहीं होती है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाए, ताकि वहां जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आप अपना ओरिजिनल आईडी लेके जाइए, आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाइए, आप ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाइए, और चौथी चीज ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाइए साथ में अपने, ताकि आपको एग्जाम करने में कोई दिक्कत ना आए, एंट्री करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, इस बार जो एग्जाम हो रहा है वो 5 जुलाई को ही कंफर्म हो रहा है, 5 जुलाई को ही आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। लेकिन कुछ चेंजेस किए गए हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। इस बार जो आपका एग्जाम होगा, जो आपका टाइम जो दिया होगा एडमिट कार्ड में, उससे आपको 2 घंटा पहले पहुंचना है, क्योंकि आपको पूरी बॉडी को सैनिटाइज किया जाएगा। आपके जो पाउच हो गए, आपका जो एडमिट कार्ड होगा, आपको उसको पूरी को सैनिटाइज किया जाएगा, और आपका टेम्परेचर भी मेजर किया जाएगा थ्रू थर्मामीटर रहेगा, उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो आपका एग्जाम हो रहा है ये आपके जिला स्तर पर हो रहा है, वरना हमेशा ये मंडल में होता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपका जो नॉर्थ, अगर आपका नॉर्थ एरिया है तो आपका जो सेंटर पड़ता था वो साउथ में पड़ता था, अगर आपका साउथ एरिया है जो आपका सेंटर पड़ता था वो नॉर्थ में पड़ता था, मतलब अपोजिट पड़ता था। लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए जो आपका सेंटर पड़ेगा आपके नियर बाय होम पड़ेगा, तो आप इजीली वहां पे पहुंच सकते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया कि आपको इस बार टाइम से 2 घंटा पहले पहुंचना है, ताकि आपकी बॉडी को सैनिटाइज करके वो लोग आपको एंट्री दे सके। नेक्स्ट, मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार एक क्लास में सिर्फ 12 ही बच्चे बैठ सकते हैं, और हर एक बच्चे के बीच में जो दूरी है वो 4 से 5 फीट रखी जाएगी। ये इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि हर एक बच्चे के बीच में 4 से 5 फीट की दूरी रखी जा रही है, और हर क्लास में सिर्फ आप 12 ही स्टूडेंट्स को बैठा सकते हैं। इस बार पूरा पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। जब आपकी एंट्री होगी तो प्रॉपर वहां पे पुलिस ऑफिसर्स होंगे जो कि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। इस बार आप अपने साथ कुछ भी कैरी नहीं कर सकते, जैसे बैग पैक वगैरह, आपको ये सब स्कूल के बाहर ही रखना होगा, क्योंकि ये सब कोरोना को देखते हुए स्कूल में अलाउ नहीं किया जा रहा है। साथ में आप ट्रांसपेरेंट बैग ले जा सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, ओरिजिनल आईडी लेके जाएंगे, एंड पेन लेके। इस बार आपको मास्क बहुत ज्यादा कंपलसरी कर दिया है, आपको एक अच्छी क्वालिटी का मास्क वहां पे लेके जाना है, वहां पे पहन के जाना। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको वो मास्क पहन के रखना है। लास्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि लास्ट में 20 दिनों में आप अपने एग्जाम्स को कैसे ग्रेड अप कर सकते हो, आप कैसे 110 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं आप उन पे काम कीजिए, जो भी आपके प्रीवियस ईयर। जैसे कि मैं आपको कुछ राइटर्स बता देता हूँ, कुछ पब्लिकेशन बता देता हूँ, जैसे आर गुप्ता, अरिहंत, इनके आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए और उन्हें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। जितने ज्यादा आप लास्ट में प्रैक्टिस पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर लगाएंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। आपको एग्जाम का आइडिया मिलेगा, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, हम किस सेक्शन में हमें कितना टाइम डिवोट करना है, तो इसी से आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको इस वीडियो के थ्रू एक नॉलेज मिली होगी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।